प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस गृहित कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2023 में श्राद्ध पक्ष कब शुरू होगा और कब इसका समापन होगा, श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी तिथि का श्राद्ध किस तारीख को निकाला जाएगा और श्राद्ध निकालते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और तर्पण करने की सरल विधि क्या होती है, इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूँ। प्रिय दर्शकों ये तो आप जानते ही होंगे, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक ये जो 16 दिन बनते हैं इन्हीं को श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। हमारे शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इन 16 दिनों में हमारे पितृ देवता पितृ लोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और हमारे घर के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, हमसे आस करते हैं कि हम उनके लिए कोई न कोई पुण्य का कार्य करें। प्रिय दर्शकों इन 16 दिनों में बहुत सारे लोग अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, गया जी जाकर के भी तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाते हैं, सवा लक्ष गायत्री का जाप भी करवाते हैं, श्रीमद् भागवत पाठ भी करवाते हैं, नाना प्रकार से अपने पितरों को तृप्त करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और प्रिय दर्शकों क्यों ना करें, हमारे जो पूर्वज हैं वो अपने साथ क्या लेकर गए हैं, सब कुछ हमारे लिए ही छोड़कर चले गए हैं, अपने साथ में कुछ भी नहीं लेकर के गए हैं, तो इतना तो फर्ज हमारा बनता ही है कि जो श्राद्ध पक्ष आते हैं ये जो 16 दिन आते हैं इन 16 दिनों में हम अपने पितरों के निमित्त कोई न कोई ऐसा कार्य जरूर करें जिससे हमारे पितृ देवता तृप्त हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और खुश होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करें। कहा भी गया है यदि देवता रुष्ट हो जाएं तो उनको मना लेना आसान है, लेकिन यदि पितृ रुष्ट हो जाएं तो उनको मनाना बड़ा ही मुश्किल होता है। देवता भी तभी आशीर्वाद प्रदान करते हैं जब हमारे पितृ देवता तृप्त होते हैं, हमसे खुश होते हैं। यदि किसी ने आपको बता दिया कि आपके ऊपर पितृ दोष बना हुआ है, आपके जो पितृ हैं वो रुष्ट हैं, तो ये 16 दिन का जो समय है आपके लिए सुनहरा मौका है। इन 16 दिनों में आप अपने पितरों के निमित्त कोई न कोई पुण्य का कार्य करके अपने सिर से पितृ दोष को हटा सकते हो और अपने पितरों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। साल 2023 में जो श्राद्ध पक्ष है 29 सितंबर शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहा है और 14 अक्टूबर शनिवार के दिन समाप्त हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों आइए जान लेते हैं कि कौन से दिन कौन सी तिथि का श्राद्ध निकाला जाएगा। 29 सितंबर शुक्रवार के दिन पूर्णिमा एवं प्रतिपदा दो श्राद्ध निकाले जाएंगे। आप समझ रहे हैं, जो पूर्णिमा तिथि है 29 सितंबर शुक्रवार के दिन उस दिन दो श्राद्ध निकाले जाएंगे, पूर्णिमा तिथि का और एकम तिथि का, दोनों श्राद्ध एक ही दिन निकलेंगे। 30 सितंबर को शनिवार के दिन द्वितीया का श्राद्ध निकाला जाएगा। 1 अक्टूबर रविवार के दिन तृतीया का श्राद्ध निकाला जाएगा। 2 अक्टूबर सोमवार के दिन चतुर्थी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 3 अक्टूबर मंगलवार के दिन पंचमी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 4 अक्टूबर बुधवार के दिन षष्ठी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 5 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन सप्तमी तिथि का श्राद्ध निकाला जाएगा और 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन अष्टमी तिथि का श्राद्ध निकाला जाएगा। 7 अक्टूबर शनिवार के दिन नवमी का श्राद्ध निकलेगा। 8 अक्टूबर रविवार के दिन दशमी का श्राद्ध निकलेगा और 9 अक्टूबर सोमवार के दिन एकादशी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन कोई भी श्राद्ध नहीं निकाला जाएगा। आप समझ रहे हैं, 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन कोई श्राद्ध नहीं निकाला जाएगा। 11 अक्टूबर बुधवार के दिन द्वादशी का श्राद्ध निकाला जाएगा और 12 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन त्रयोदशी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 13 अक्टूबर शुक्रवार के दिन चतुर्दशी का श्राद्ध निकाला जाएगा और 14 अक्टूबर
शनिवार के दिन अमावस्या का श्राद्ध निकाला जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ फ़ोन कॉल्स एवं कमेंट ऐसे भी आए कि शास्त्री जी, हमारे जो पूर्वज हैं, जब उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था तो उस समय कौन सी तिथि थी, कौन सी तारीख थी, वो सब हमें याद नहीं है, हमें पता नहीं है, और हम उनका श्राद्ध निकालना चाहते हैं, तो उनका श्राद्ध कब निकालें? तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपका कोई ऐसा पूर्वज जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, यानी कि अचानक से जिसकी मौत हो गई है, वो कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, आत्महत्या भी हो सकती है, यानी कि युवा अवस्था में जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और आपको उनकी मरण तिथि का पता नहीं है, तो ऐसे में उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन निकालना चाहिए। अब की बार जो चतुर्दशी का श्राद्ध है वो 13 अक्टूबर शुक्रवार के दिन निकाला जाएगा। और यदि आपका कोई ऐसा पूर्वज जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद इस दुनिया से चला गया है, यानी कि जिन्होंने प्राण त्यागे हैं, तो उनका जो श्राद्ध है वो अमावस्या के दिन आपको निकालना है। अमावस्या का श्राद्ध अब की बार 14 अक्टूबर शनिवार के दिन निकाला जाएगा। और कोई ऐसी लेडीज जिसकी मरण तिथि आपको नहीं पता है, तो लेडीज का जो श्राद्ध है वो नवमी के दिन निकाला जाता है, और नवमी तिथि का श्राद्ध अब की बार जो है वो 7 अक्टूबर शनिवार के दिन निकाला जाएगा। यदि आपको मरने वाले की मरण तिथि का पता है तो फिर आपको उसी तिथि के दिन श्राद्ध निकालना है, और यदि मरण तिथि का नहीं पता है तो फिर आप जो मैंने बताई चतुर्दशी, अमावस्या और नवमी, इन दिन उनका श्राद्ध निकाल सकते हो। प्रिय दर्शकों, अब जान लेते हैं श्राद्ध निकालने की विधि, किस प्रकार से श्राद्ध निकालना चाहिए। जिस दिन भी आप श्राद्ध निकाल रहे हैं उस दिन आपको जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने चाहिए। आपने ध्यान रखना है काले रंग का वस्त्र और नीले रंग का वस्त्र भूल कर भी नहीं पहनना है। यदि आप सफ़ेद रंग का वस्त्र पहन सको तो बड़ी ही अच्छी बात है। सबसे पहले आपने करना है तर्पण। तर्पण कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। आपने कोई भी पात्र लेना है, उस पात्र के अंदर आपने थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें डालना है, एक चुटकी काले तिल उसमें डाल लेने हैं, एक चुटकी जो उसके अंदर आपने डाल लेने हैं, और एक चुटकी हल्दी उसके अंदर डाल लेनी है। ये सब डाल करके अपने पास इसको रख लेना है, और साथ में एक प्रात आपने ले लेनी है या फिर आप थाली ले लीजिए। बैठ जाइए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। सबसे पहले अपने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और संकल्प कीजिए कि ये जो मैं तर्पण कर रहा हूँ इसका जो लाभ है वो मेरे पितरों को मिले, ये तर्पण ये जल मेरे पितरों को मिले और उनको तृप्ति मिले। इस प्रकार से आप संकल्प कीजिए, और उसके बाद ये जो अंगूठा है और ये तर्जनी उंगली है, ये इसके बीच वाला जो भाग है इसको बोलते हैं पितृ तीर्थ। तो यहाँ से जो जल गिरता है वो हमारे पितरों को मिलता है। तो आपने इस प्रकार से हाथ की इस प्रकार से मुद्रा बनानी है राइट हैंड की, और लेफ्ट हैंड में पानी का पात्र ले लेना है, लोटा जो भी पात्र है आपके पास वो आप ले लीजिए, और इस प्रकार से यहाँ से जल छोड़िए, और जल की जो धारा है वो इधर से जाते हुए इधर नीचे गिरनी चाहिए। आप नीचे प्रांत रख लीजिए, थाली रख लीजिए, पूरा जल प्रांत या थाली में जाना चाहिए। तो आप इस प्रकार से धार बना करके छोड़ते रहिए, और मंत्र क्या बोलना है, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तृप्यामि, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तृप्यामि, इस प्रकार से आप बोलते रहिए, और वो पूरा जल जो पात्र में आपने इकट्ठा किया है वो पूरा जल आप इस प्रकार से छोड़िए, वो जल आपका जो अंगूठा है और ये तर्जनी उंगली है इसके बीच से जाता हुआ थाली या प्रात में गिरना चाहिए। इस प्रकार से आप तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने के बाद घर की जो औरतें हैं, जो महिलाएँ हैं, वो खाना बनाएंगी, और खाने में कम से कम एक चीज़ ऐसी ज़रूर बनाएं जिसका भी आप श्राद्ध निकाल रहे हैं उनको वो अति प्रिय हो। आपको यदि पता है जिसका आप श्राद्ध निकाल रहे हैं उनको क्या पसंद था, तो उसके पसंद की एक चीज़, एक वस्तु जरूर बनाएं, ब्राह्मण को न्योता दें, ब्राह्मण को अपने घर में बुलाएं। खाना जो आप बनाते हैं उसके आपने 3 भाग बनाने हैं। सबसे पहले आपने गऊ के लिए भाग निकालना है, उसके बाद कौवों के लिए निकालना है,
और उसके बाद आपने ब्राह्मण को भोजन करवाना है। सबसे पहले क्या करना है, गाय माता के लिए आपने एक या दो रोटी, जो भी मीठा आप बना रहे हैं, जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं, उनका थोड़ा थोड़ा भाग गाय माता के लिए निकाल देना है और गाय माता को खिला देना है, मन में संकल्प करते हुए ये जो मैं खिला रहा हूँ ये मेरे पितरों को मिलना चाहिए। उसके बाद दूसरा भाग कौवों को आपने खिला देना है। आपके छत पे कौवे आते हैं या फिर कहीं पर भी बाहर पार्क में कोई ऐसी जगह बनी है जहाँ पर कौवे आते हैं, तो कौवों को आपने खिला देना है। और उसके बाद आपने ब्राह्मण को भोजन करवाना है। ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उनको आप दक्षिणा दे दीजिए, वस्त्र भी दे सकते हो, पंचवस्त्र भी दे सकते हो, वो तो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से आप कीजिए। इस दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए, जिस दिन आप श्राद्ध निकाल रहे हैं तो ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए, बड़े ही पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद दक्षिणा पंचवस्त्र आप दे करके उनको खुश करके अपने घर से लौटाइए। तो इस प्रकार से आप ये श्राद्ध कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से यदि आप श्राद्ध करते हो तो आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति मिलती है। किसी ने आपको बोल दिया है कि आपके सिर पर पितृ दोष बना हुआ है, तो इस प्रकार से आप श्राद्ध निकालोगे, इस विधि विधान से आप श्राद्ध निकालोगे तो आपके पितर जो है वो तृप्त हो जाएंगे और आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपके सिर से पितृ दोष हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थी एक जानकारी श्राद्ध पक्ष के बारे में मैंने आपको दी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगे तो इसको आप शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों के पास पहुँच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक कर देना। मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और यदि आप अपने जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिषीय समाधान मुझसे लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप पर आप अपनी समस्या टाइप करके भेज सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से आपकी सहायता करने की। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।